सुनने और देखने वालों को मुबशर नकवी का सलाम। दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक जबरदस्त प्रोग्राम लेके आया हूं और ट्रेंड थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। आज मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा कि खुद एतमादी और बुरी आदत का आपस में क्या रिश्ता है। आज मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा कि वो कौन सी आदत है जो आपके एतमाद को, कॉन्फिडेंस को लूज करती हैं, खराब करती हैं, तबाह करती हैं। वो कौन सी आदत है जो आपको नाकामी पर मजबूर कर देती हैं, आपका कॉन्फिडेंस लूज कर देती हैं। इससे पहले हम अपना यह छोटा सा प्रोग्राम स्टार्ट करें, मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मुबशर को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टे ट्यून्ड विद मी। दोस्तों याद रखें, बुरी आदत का खुद एतमादी के साथ चोली दामन का साथ है। जितनी ज्यादा बुरी आदत अडॉप्ट करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लूज करेंगे। याद रखें, अगर आप कॉन्फिडेंस हासिल करना चाहते हैं तो अपनी बुरी आदत को छोड़ते जाएं, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा। वो कौन सी आदत है दोस्तों जिनको अगर हम आइडेंटिफाई करें, वो कौन सी आदत है दोस्तों जिनको हम छोड़ दें, और वो कौन सी आदत है जो हमारे कॉन्फिडेंस को लूज करती है। उसमें नंबर वन है जी सेल्फ डाउट। कभी सेल्फ डाउट नहीं करना, आपने अपने आप पर शक नहीं करना, अपने फैसलों पर, अपने अमाल पर शक नहीं करना। जो चीज आपने डिसाइड कर ली है, जो फैसला कर लिया है, उसके ऊपर डाउट नहीं करना। नंबर वन ये चीज याद रखें, सेल्फ डाउट नहीं करना, आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करेंगे, और सेल्फ डाउट आपके कॉन्फिडेंस को लूज करता है। नंबर टू पे जी कंपेयरिंग योर सेल्फ। नेवर एवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन एल्स। क्यों? क्योंकि आप डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में काम कर रहे हैं, आपका एटमोसफेयर डिफरेंट है, तो लोगों का एटमॉस्फेयर, उनको चैलेंजेस डिफरेंट है, उनको जो फिजिबिलिटी है वो डिफरेंट है। आपने अपने आप को कभी किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना, ये आपका कॉन्फिडेंस लूज करेगा। अल्लाह ने जो खासियतें आपको दी हैं, जो क्वालिटीज आपको दी हैं, वो किसी और को नहीं दी, तो आपने अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना। ये था नंबर टू, सेल्फ डाउट और नेवर एवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर। ये वो चीजें हैं जो आपका कॉन्फिडेंस लूज करती है। नंबर तीन पे है जी के हम दोस्त देखते हैं गलत अफवाहें फैलाई जाती हैं, एक रूमर्स बनते हैं, गलत अफवाहें फैलाई जाती हैं जिनके ऊपर हम फोकस करते हैं। यार ये अफवाह है कि आज बिजनेस लूज होगा, यार आज ऐसे हो जाएगा, अगर ये काम करेंगे तो हमारा बिजनेस तबाह हो जाएगा। और नॉट एट ऑल यार, आप अपने कॉन्फिडेंस में रहते हुए, अपने तजर्बे की बुनियाद पर, अपनी एक्सपर्टी की बुनियाद पर आपने उसके मुताबिक फैसला करना है, आपने अफवाहों के ऊपर अमल नहीं करना। ये नंबर थ्री था जी, आप वो कौन सी आदत है जो कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। नंबर फोर पे आएगा हमारे पास कि आप लोगों ने अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। अपने आप को कभी आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना, अपनी क्वालिटीज को, अपने फैसलों को और अपनी एबिलिटीज को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। अल्लाह ने आपको जो ताकत, जो खासियतें, जो क्वालिटीज दी हुई हैं वो आपके लिए ही हैं, और आप उनमें कमाल महारत रखते हैं। इसलिए आप नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। ये था जी नंबर फोर। नंबर फाइव के ऊपर हम देखेंगे कि अपने आप की सुनो, कभी तन्हाई में अपने आप को टाइम दो कि यार जो फैसले, जो अमाल, जो प्रोग्रामिंग या जो कुछ हम कर रहे हैं क्या वो सही है। उसके अलावा जो फैसला करना चाहते हैं जब आप, तो आप सबसे पहले अपने आप की सुने, क्योंकि जो फैसला होना है उसमें फायदा नुकसान आपका है, लोगों का नहीं है। जिसका जितना फायदा नुकसान है वो उतना अच्छा बेहतरीन फैसला करता है, और वो आप हैं।
जो अपने बेहतर अच्छा और बुरा जानते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को टाइम दें, अपनी सुने, फैसले करने में अमल करने में अपनी सुने। ये थे नंबर 5। नंबर 6 पे आएगा जी हमारे पास फोकस, नेवर फोकस ऑन नेगेटिव सिचुएशन एंड पर्सन। नेगेटिव सिचुएशन वो हालात जो नेगेटिव होते हैं, जो लोगों को एम्बेरस करते हैं, कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, वो लोग जो नेगेटिव पर्सन होते हैं, लोगों को बुरा करके उनको खुशी मिलती है, उस वजह से आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है। नेवर फोकस ऑन नेगेटिव पर्सन एंड नेगेटिव सिचुएशन। ये था नंबर 6। एंड नंबर 7 पे आएगा जी हमारे पास बेचैनी और तब्दीली की दुनिया में। मेरे अल्फाज याद रखने हैं आपने, बेचैनी और तब्दीली की दुनिया में आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं आ सकती, ये याद रखें। इसलिए जब हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं होगी तो आप कॉन्फिडेंस लूज करेंगे। इसका सिर्फ एक हल है कि रोज एक कुछ एक ऐसा जरूर करें जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले, जिससे आप एक अच्छा काम रोज जरूर करें जिससे आपको हो यार मैंने भी कुछ अच्छा किया है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आई गारंटी यू। वो आदत जो आपका कॉन्फिडेंस लूज करती है उसमें 7 नंबर पे जो मैंने बताया है कि नो वन इज नेवर कंप्लीट। इसलिए नंबर 8 पे आएगा जी कि आपने याद रखना है नेगेटिव लोगों से आपने दूर भागना है, वो लोग जो आपको नेगेटिव करते हैं आपके काम में, आपके फैसलों में, जो आपको नेगेटिव करते हैं कि आप कामयाबी की तरफ ना जाएं, आपका भला नहीं चाहते, आपने उनसे बचना है। ये आपका कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, इनकी सोसाइटी आपने छोड़नी है। इनकी सोसाइटी छोड़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। नंबर 9 पे क्या है जी, नंबर नाइन पे हमारे पास आएगा दूसरों से मंजूरी नहीं लेनी है आपने, अपनी सलाहियतों पर भरोसा करना है। दूसरों से आपने मंजूरी नहीं लेनी कि ये जो फैसला है ये ठीक है, ये जो अमल करना है मैंने ये ठीक है, ये जो एग्जीक्यूशन हम कर रहे हैं अपने बिजनेस में क्या ये ठीक है। आपने दूसरों से मंजूरी नहीं लेनी, अपने आप से लेनी है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नंबर 10 पे क्या आएगा जी कि माजी के बारे में नहीं सोचना, अपनी पुरानी कामयाबियों के बारे में नहीं सोचना। जब आप माजी के बारे में सोचेंगे तो आप नेगेटिव होंगे, कॉन्फिडेंस लूज करेंगे। जब आप पिछली कामयाबियों के बारे में सोचेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। क्यों? कि पहले जो कामयाबी थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, एटमॉस्फेयर डिफरेंट था, सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे। अब चैलेंजेस ज्यादा हैं, अब एटमॉस्फेयर डिफरेंट है, अब उसकी स्पीड जितने से आपको उसके जितनी जल्दी कामयाबी नहीं मिल रही तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करेंगे। इस चीज से बचने के लिए आपने ना माजी की तरफ देखना है, ना माजी कंपेयर करना है अपने साथ, और ना ही पिछली कामयाबियों के बारे में सोचना है कि वो क्या कामयाबी थी और ये क्या हो रहा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जी जो हमारा कॉन्फिडेंस लूज करती हैं। मैं अपने तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि स्टे ट्यून विद मी। ओके गाइस, स्टे ट्यून विद मी। अगली वीडियो तक मुबशर नकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।